हेलो दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप वाल को कैसे इजीली कटिंग कर सकते हैं एंड मैं पूरा प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे कि ये मेरे पास 3 ठो मशीन है एंड ये आपका हैमरिंग एंड ड्रिल मशीन है, ये 2 ठो आपका एंगल ग्राइंडर मशीन है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये मशीन देखेंगे तो ये आपका ब्लेड लगा हुआ है एंड इसका जो प्लेट है ये गार्ड प्लेट, ये थोड़ा आपका छोटा है। एंड अगर यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो हमने ये अलग से खुद से इसको डिजाइन करके बनाया है एंड ये है आपका हैमरिंग एंड ड्रिलिंग मशीन। तो इसके बारे में मैं बोलूँगा आगे चल के। तो हम लोग पहले ये मशीन के बारे में बात करते हैं, तो इसको मैं पहले सेटअप करके आप लोगों को दिखाऊँगा। जैसे कि ये जो मशीन है तो यहाँ पर हम लोग 2 ठो ब्लेड की इस्तेमाल करेंगे, तो इसको कैसे हम लोग लगाएंगे वो देखेंगे। तो पहले ये जो मशीन है ये कुछ इस प्रकार आपका दिखता है, तो इसको हम लोग पहले लगाएंगे। हर एक मशीन में ये रहता है, ये लॉक वाशर होता है ये। देन हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर ब्लेड लगाएंगे, जो कि आपका 110 mm का ब्लेड है ये। एंड देन आपको ये लगाना है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड जैसे कि हमने इसको ऑनलाइन से मंगाया था, अगर आपको ये चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप जाके खरीद सकते हैं वहाँ से। जैसे दोस्तों ये मेरा पार्ट 2 वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको कैसे वॉल कटिंग करेंगे क्या एंड कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिया हूँ एंड ये पार्ट 2 वीडियो है आपका। एंड इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको लगाएंगे। इसको लग जाने के बाद हम लोग ये जो ब्लेड है इसको लगाएंगे, ये पूरा सिंपल प्रोसेस है। एंड देन हम इसको लगाएंगे, एंड इसको टाइट से कस देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, आप और कसने वक्त ये जो लॉक स्विच है इसको आपको प्रेस करना है, तब ये जो ब्लेड है ये आपका नहीं घूमेगा। एंड इसको कस देना है एंड ये हो जाता है आपका 2 ब्लेड का कटिंग मशीन। जैसे कि ये जो गार्ड है ये आपका सेफ्टी गार्ड हो गया। एंड ये जो गार्ड आपको मार्केट में नहीं मिलता, आपको ये खुद से बनाना होगा अलग से। एंड देन अभी हम लोग बात करेंगे ये जो मशीन है, ये आपका यहाँ पर ये विदाउट गार्ड में ये सिंगल वाला आता है, कंपनी ये आपको देता है। तो लेकिन आपका अगर टाइम सेविंग चाहिए, ज़्यादा काम चाहिए आपको, तो आप ये मशीन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइम भी सेविंग होगा एंड आपको एक एक साथ 2 ठो ब्लेड इस्तेमाल करने से आपका जो पाइप है आपको आराम से यहाँ पर ये बैठ भी जाएगा एंड आपका टाइम भी सेविंग होगा। एंड देन हम लोग इसके बारे में बात किए थे पिछले वीडियो में, तो अभी हम लोग इसमें बस खुदाई करके आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है, ये हैमरिंग विथ ड्रिलिंग मशीन है। एंड इसके लिए दोस्तों और एक काम करना बाकी है कि ये जो बीट है इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एंड इसको लगाने का इजी तरीका है, आप इसको प्रेस कीजिएगा एंड इसको यहाँ पर लगा के इसको छोड़ देना है, बस ये आपका सही तरीके से लग जाएगा। अभी दोस्तों मैं आपको कटिंग कैसे करेंगे वो दिखाऊंगा अभी।
जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग इस तरीके से ये कटिंग किए हैं। ये कितना बढ़िया है ना, सही तरीके से हुआ है। आपको बस कुछ नहीं, आप छेनी का इस्तेमाल कीजिए और इसको खुदाई कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग 3 मुरला लगाएंगे ताकि हमारा जो मोटर है यहाँ पर ये फिटिंग होगा। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैमरिंग मशीन यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने इसका मैंने आपको सेटअप दिखाया था, यानी ये मशीन में हम लोग अभी खुदाई करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये कितना सही तरीके से कटिंग हो गया एंड मिनिमम टाइम पे। आपका यहाँ पर आपका टाइम भी सेविंग हो रहा है एंड काम भी आपका। और यहाँ पर हमने इसको भी इस तरह की सही कटिंग किए थे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना सही तरीके से कटिंग हो गया है। दोस्तों आज था ये कुछ टिप्स जो कि आप वॉल कटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो टाइम सेविंग होने के साथ साथ आपका जो काम का फिनिशिंग है वो भी आपका आता है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।